हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सैमसंग के इस मिनी लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो इसके लिए आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को पहले लगा दीजिए और इसे चालू करने का तरीका यहाँ नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पावर बटन दिया है, इसे आगे की ओर प्रेस कीजिए और ये बूटेबल पेन ड्राइव मैंने लगा चुका है साइड में, और स्टार्ट करके स्किप बटन को दबाते रहिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखा दिया है, HP का जो पेन ड्राइव मैंने लगाया है। पहले आपको बूटेबल पेन ड्राइव लगाना है, उसके बाद चालू करना है। ये देख सकते हैं पेन ड्राइव लगा हुआ है विंडो 7 का। तो यहाँ पर हम USB पेन ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं और एंटर मार देना है आपको। यहाँ पर फिर लिखा रहा है प्रेस एनी की, तो कोई भी की दबा दीजिए, मैं एंटर दबा देता हूँ। ये विंडोज लोडिंग हो रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं, वही आपका सीट रहता है उसे। होने दीजिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, जो प्रोसेस होंगे उसे करते जाइए। और मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ज़रूरी बात, अगर आपका फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो ज़रूरी बात यह है, अगर आप 64 बिट डालते हैं इस वर्ज़न पे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 32 बिट का विंडो ही डालना है। 32 बिट का विंडो का बूटेबल बनाइए पेन ड्राइव पे और फॉर्मेट कीजिए, तो फॉर्मेट होगा। अगर 64 बिट डालते हैं तो फॉर्मेट नहीं होगा। तो अब वीडियो को कंटिन्यूसली आप चलने दीजिए, और जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे स्टेप बाई स्टेप फॉलो।